राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ छठी की शॉपिंग, मतलब जो मेरे भतीजी हुई है मेरे भाई की बेटी। तो आप लोगों को तो पता ही है छठी बुआ लोगों की होती है, बुआ लोग करती हैं। तो मैं भी अपनी भतीजी के लिए सामान लेके आई हूँ, कपड़े लेके आई हूँ, खिलौने लेके आई हूँ, जो कुछ भी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे घर में बेटी भी है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखिएगा, मेरी बेटू की शॉपिंग को देखिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरी बेटू का ब्लॉग है, मेरी बेटू के लिए है स्पेशली। तो इसमें मैं आप लोगों से सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगी और अपनी पूरी शॉपिंग आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी नन्ही परी की शॉपिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर सबसे पहले आपको दिखाती हूँ खिलौनों से। तो ये देखिए मेरी नन्ही परी के लिए, उसके झूले के लिए ये टॉय है। और झूले में मोस्टली यही टॉय टांगा जाता है। और कुछ मतलब कॉमन टॉयज ऐसे होते हैं, जैसे ये हो गए और ये हो गए हैं, ये तो बच्चों को ले जाने ही होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, झुंझुना। तो पहला टॉय ये है और ये पता है सेम कलर का टॉय, ये मेरे बेटे के होने में 10 साल पहले भी ये आया हुआ था। और फिर उसके बाद मेरी बहन की बेटी हुई तो फिर मैंने ऐसा टॉय भेजा था, मेरी बड़ी भतीजी हुई तब भी मैंने ऐसा टॉय भेजा था। और मेरे यहाँ मतलब 5-6 जगह सेम टॉय मैं भेज चुकी हूँ, जबकि जब कुछ होता है तभी खरीदती हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ पहले से लेके रखे हूँ। पर ये कुछ कॉमन टॉयज होते हैं जो देने ही होते हैं बच्चों को, कुछ सोच समझ के देने का रहता है। जैसे ये पालने में टांगने का है, इस तरह से टांगेंगे और बच्चा देख देख के खुश होता रहेगा। और अभी पूरी शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ, जितनी करके लाई हूँ उतनी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये झुंझुना, इसको पैक रखूंगी, खोल नहीं रही हूँ, फिर ये देखिए कुछ इस तरह से है। और ये है, बताइएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं टॉय। और ये देखिए इसमें ना, जैसे ये फिश है और ये लॉयन है और ये कैट है, कैट है, डोरेमोन कैट है। और ये देखिए, हाँ ये कैट है। तो ये इस तरह के टॉय हैं कुछ। और ये है इनमें, ये देखिए ग्रेप, सबसे पहले तो ये ड्रेस देखिए मेरी भतीजी का, ये ड्रेस। और इसके नीचे ये देखिए, ये ड्रेस इस तरीके से है और बहुत सॉफ्ट कपड़े में है। देखिए ये वैसे कपड़े नहीं है, एक्चुअली लेने के लिए क्या हैवी ड्रेसेस भी ले लेती, बट उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों के लेने के लिए। तो इस तरह से कपड़े लीजिए जो बेबी पहन सके। जैसे ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाला कपड़ा है, इससे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ और ताके लगाती भी जा रही हूँ ताकि काम फटाफट मेरा सिमट जाए। और उसके बाद में एक ड्रेस ये है, सब पैकेट में पैक है, पैकेट में कर दिया। और ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, ये देखिए आप लोग, ये मेरी नन्ही परी के लिए। और ये पता है मेरे बेटे ने पसंद किया है कि माँ ये वाला फ्रॉक जरूर ले लो। और ये आगे से ओपन है, ये देखिए, ये जो येलो कलर का है ना, येलो कलर का एक ही पीस है ना, हाँ। तो ये ना मैं उसको छठी वाले दिन, जिस दिन मतलब बच्चे को छठी में कपड़े पहनाती रही है, तो छठी तो हो चुकी है, तो दस्टॉन में भी मैं सबसे पहले येलो कलर का ही पहनाऊंगी। और इसके नीचे का कुछ इस तरह से है। और मैं सब कुल में ही लेके आई हूँ, क्योंकि अब बच्चों को ना हाफ कपड़े नहीं पहनाना है और 15 दिन बाद तो बिल्कुल भी नहीं पहनाना है।
तो इसीलिए मैं फुल लेके आई हूँ। है सारे मतलब सॉफ्ट कपड़े ही, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉटन में है सब, सॉफ्ट है। तो मैं सब फुल कपड़े लेके आई हूँ। और एक ड्रेस ये है, ये जो येलो वाइट वाला था ये आकर्षित ने ये भी पसंद किया है। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं छोटे बच्चों के, कितने क्यूट से कपड़े हैं। और इसके साथ का भी नीचे का ये इस तरीके से है, तो बहुत सॉफ्ट कपड़े हैं मतलब बच्चे के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी को। तो बताइएगा आप लोग कैसी लगी मेरी शॉपिंग। मैंने 5 जोड़ी कपड़े लिए हैं, दिखा रही हूँ सब आपको। और एक ये नाइट सूट लिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसके सॉरी बटर पेपर है इसके अंदर, बहुत अच्छा कपड़ा है ये देखिए। और ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था मुझे अपनी बेटी के लिए। और इसकी पजामी और ये सैंडो वाली बनियान अंडरगारमेंट्स बेबी के। और देखिए ये इस तरीके से आता है पहनाने के बाद में। और इसी तरीके के मैंने लिए हुए हैं 3। और ये ना बेटू के नाखून, क्या भी न्यूबॉर्न बेबी हैं तो हल्के हल्के से नैन है, हालांकि सॉफ्ट, बट बच्चे के लिए वो सॉफ्ट नेल्स में भी उसके स्क्रैच हो जाते हैं, पूरे में पूरा फेस स्क्रैच कर देती है अपना। और ये देखिए ये हाथ वाले, इनको क्या बोलते हैं, मूठे, तो इसको ये ना हाथों में पहना देंगे हथेलियों में, तो वो अपने फेस पे नाखून नहीं मार पाएगी। और ये पैरों के सेम, ये देखिए हाथों वाले। और अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी की शॉपिंग। ज्वेलरी अभी मैं पूरी नहीं ला पाई हूँ, जितनी लाई हूँ उतनी शेयर कर दे रही हूँ। अभी मुझे एक बार फिर से मार्केट जाना है। तो ये देखिए आप लोग को समझ में आ रही है, ये मैं अपनी बेटू की कानों की बाली लेके आई हूँ। ये मैं इसलिए ले आई हूँ, मुझे ये अच्छी लगी थी तो मैं ले आई हूँ। और फिर मैं देखूंगी बाद में और मुझे जो भी समझ में आएगा ऐसे आ रहा। ये देखिए आप लोग, इसमें डिजाइन है बट वो दिख नहीं रही है सही से। तो ये देखिए, पता नहीं कैमरा फोकस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया। और अभी उसके लिए ओम वगैरह भी लेना है तो ले नहीं पाई हूँ। ये मेरी गुड्डों के हाथों की। और ये मैंने इस तरीके से लिए हैं इसलिए क्योंकि ये देखिए इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अपने फेस में मार सके। और थे घुंघरू वगैरह भी थे उनमें लटके हुए, लेकिन वो क्या होता ना, वो अपने फेस पे मार लेती तो उसको चोट लग जाती, दर्द होता उसको। तो मैं इस तरीके से लेके आई हूँ, हालांकि ये प्लेन है और आगे थोड़ा सा ये डिजाइन है। ये देखिए, और ये देखिए मेरी नन्ही परी की पायजेब। फोकस कर रहा है कितनी सही से। बैठो बेटा आकर्षित, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। और एक वो तो रहती है बेटा, लॉकेट था गया, लॉकेट था, चलो कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। था लॉकेट था, दिख नहीं रहा है, जैसे ही दिखेगा फिर मैं आपको अभी आगे जो और सामान लूंगी उसमें दिखाऊंगी। तो बस कुछ अभी इतना ही सामान लिया हुआ है, फिर और लूंगी तब फिर आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो बताइएगा आप लोग कैसा लगा आप लोगों को मेरी